अम्मा मैं तुझे समझा रहा हूँ, उस बुड्ढे को समझा दे, बहुत तंग करने लगा है। कौन बुड्ढा? ओ वही फरूक, मिला था आज भी, कह रहा था कि आज मैं तेरे घर आऊंगा, पैसों का बंदोबस्त करके रखना, नहीं तो। क्या नहीं तो, क्या करेगा वो? वो कह रहा था कि नहीं तो मालक केस पुलिस को दे देगा और फिर वो खुद ही वसूल करा लेगी। तो क्या वो हमारे पे पर्चा कराएगा? वो कह रहा था कि फैक्ट्री का मालक अगर मेरे खिलाफ कराएगा तो मैं तुझे पकड़वा दूंगा। ना ना, तेरे मुंह को ताला लगा था, तूने कुछ नहीं कहा। और मैंने भी कह दिया, अगर तू मुझे पकड़वाएगा तो मैंने भी तुझे जान से नहीं मारा, तो मेरा नाम नहीं। ठीक किया। नहीं पुत्र, नहीं, इस तरह की बातें कहा नहीं करते। मैं क्या करता माँ, मुझे भी गुस्सा आ गया था। माँ का मतलब समझा नहीं, माँ का मतलब ऐसी बातें कहते नहीं, कर देते हैं। इसके अलावा अब उसका कोई इलाज नहीं है। कब कहा है आने का? ओ, वो बहुत गुस्से में था, कह रहा था कि आज शाम को या रात को आऊंगा, और कह रहा था कि आखिरी बार बता दो कि पैसे कब दोगे। आने दे, तू हिम्मत पकड़, फिर देखते हैं उसके साथ क्या करते हैं। ओ, पर कैसे? अगर माँ फॉर एग्जाम्पल तरबियत दे रही है सही बच्चों को, तो पूरी फैमिली बना रही है, अदरवाइज वो पूरी फैमिली को ख़राब कर रही है। तो ये तो है कि पूरी तरबियत ही ऐसी शायद रही है कि मे बी ओवरऑल वो बच्चों में ये लर्निंग आई है कि वो जिस तरह का उनका इम्पल्सिव बिहेवियर है उन्होंने किया। माँ ये फिरोज खबीज ताया का फोन आ रहा है। ला मुझे दे। हेलो। हाँ गुलफाम का है, माल का क्या हुआ? आराम से आराम से, हर वक्त चूल्हे के पास बैठ के बात करते हो, कभी ठंडा पानी पीकर भी फोन पे बात कर लिया करो। चल चल गुलफाम को दे, मुझे बात करनी है उससे। तू फिक्र ना कर, गुलफाम भी इधर ही है। तू ऐसा कर, घर पे आ जा, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर है। क्या अच्छी खबर है? बस तुझे कह दिया ना, तू घर पे आ जा, बड़ी अच्छी खबर है, घर आएगा आराम से बैठ के बातें करेंगे। क्या कह रहा था माँ? कह रहा तू आज रात में सीधा करना। आने दो उसको, फिर देखते हैं क्या होता है इसके साथ। तुम देख तो सही तमाशा बेटा। शबाना ने पुलिस को बताया कि चूंकि हम फारूक को रास्ते से हटाने का पक्का इरादा कर चुके थे और प्लान पर अमल करते हुए फ़ोन पर फारूक से नरमी से बात की और उसको घर बुलाया, जबकि रानी मुनव्वर के साथ जाके मेडिकल स्टोर से ख्वाब और गोलियां भी लेकर आ गई थी, और हम प्लान के मुताबिक फारूक का इंतज़ार कर रहे थे कि इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। जा बेटा बाहर देख कौन है दरवाजे। दरवाजा खोल बेटा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मेरा भाई आया। गुलफाम कहाँ है? सारी बातें दरवाजे पे खड़े हुए कर लेंगे। आप आओ इधर, इधर बैठ। अब बता क्या बात है, बड़ा नाराज नाराज नजर आता है। मैं सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि मुझे बता पैसों का क्या करना है, माले में तो मेरी जिंदगी अजाब की हुई है। पैसे जो देने हैं वो तो देने ही हैं, बच्चे ने जो गलती की है वो तो भुगतनी है, हमने देने से कब इनकार किया है? तू इनकार की बात कर रही है? तेरा बेटा तो मुझे मारने की धमकियां दे रहा है। क्या गुलफाम? जी गुलफाम। मैं अभी बुलाती हूँ। गुलफाम गुलफाम। सलाम ताया जी। अम्मा क्या बात है? गुलफाम की तरह उसको बुला, जा उसे जाकर भेज के तेरा साया है। बच्चे तो बोलते फिर कुछ सोचते भी नहीं है, जरा नहीं लिहाज करते कि किसको बोलना है किसको नहीं। सलाम ताया। तूने क्या बकवास की थी ताया से, जो मुंह में आता बक देते हो, छोटे बड़े को लिहाज नहीं है? वो गुस्से में मुंह से निकल गया था। चल माफी मांगता है। थूक दे, माफी दे दे,
अपना बच्चा, बच्चों से गलतियां हो ही जाती हैं। तू क्या खड़ी खड़ी मुंह देख रही है? चल जा चाय लेकर आता है के लिए। नहीं नहीं चाय की जरूरत नहीं है, बस तू मुझे यह बता कि पैसों का क्या करना है। वो मालिक को पैसे चाहिए, वो कह रहा है कि भाई मुझे यह माल दो या मुझे पैसे दो। मैं भी इसी फिक्र में लगी हुई हूँ। ऐसा कर भाई कि अपने सेठ से ना थोड़ा टाइम ले दे। शुभाना तू सेठों को नहीं जानती, उसने मुझे साफ साफ कह दिया है अगर 3 दिन के अंदर मेरा माल या पैसे ना मिले तो वो केस पुलिस को दे देगा। मैं कोशिश तो कर रही हूँ, अल्लाह कोने कोई बंदोबस्त कर देगा। इसके जरा सी लापरवाही से ना किसी गरक जाने ने काम कर दिखाया, भुगतना तो हमें पड़ रहा है ना। ले भाई चाय पी। वैसे वो कसम खा के कहता है कि मैंने चोरी नहीं की। तू सारी बात ठीक कर रही है, पर मालकों का माल तो गया ना, वो तो नहीं मानते ना, जिम्मेदारी तो इसकी थी ना। कहता तो तू भी ठीक है, चल तू चाय तो पी है, 2-3 दिन में कोई ना कोई अल्लाह ताला बंदोबस्त कर ही देगा। आ जा बहू तू भी इधर बैठ जा, आ जा शाबाश आ जा। बैठ जा ताए के पास बैठ जा। अच्छा मैं चलता हूँ, चल ठीक। मेरी कुछ तबीयत नासाज सी हो रही है। चलो ठीक है कोई बात नहीं है, ये ले बेटा रख लो, इधर इधर ठहर, इधर मैं रखती हूँ। क्या होता है? नहीं यार क्या हुआ है? चक्कर से आ रहे हैं? कुछ नहीं कोई नहीं यार, कोई ऐसा मसला नहीं है, ऐसे ही तरह चक्कर चक्कर। बैठ जा तभी। टायर मेरे फिट आउट सही से राम। कान में भी डाल दे, कान में भी डाल दे, जल्दी कर। जल्दी 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 चाबी निकाल, चाबी निकाल, जल्दी जल्दी चाबी निकाल, चाबी निकाल, चाबी निकाल, जल्दी चाबी निकाल, दे दे भाई, भाई को दे जल्दी का। मकतूल को उन्होंने मुर्दा हालत में उठा के मोटरसाइकिल पे आगे बैठा गुलफाम सेंटर में उसको रखा और उसके पीछे उसकी वाइफ आसमा और फरानी बैठ गई और उन्होंने पीछे से उस बाबा को पकड़ लिया, उसकी डेड बॉडी को।
फारूक के भाई ने जब ईदी सेंटर से रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि आम तौर पर लावारिस लाशों को 7 रोज से ज़्यादा नहीं रखा जाता, इसलिए फारूक की लाश को ईदी कब्रिस्तान में सुपर्द खाक कर दिया गया है। ये एक्ट ओवरऑल इनका सही नहीं था। एक्ट जो बिगिन हुआ, जिसे चोरी करने का जो एक्ट था, वहीं से वो एक्ट गलत था और उसके रिजल्ट में ये सारा कुछ हुआ। तो अगर देखा जाए तो एक माइंड सेट होता है इंसान का, पूरी फैमिली का। अगर हम इस मुझसे आप पूछें तो यहाँ जो मैं देख रही हूँ उसमें पूरी फैमिली का माइंड सेट है, थोड़ा सा सेल्फिश, मीन एंड इम्पल्सिव। सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में सोचना, अपनी चीज़ों के बारे में सोचना, और ये सब ने यही एक्ट में एक तरह से काम किया जाए। मत कर यकीन इतना, बहुत बेवफा हैं लोग। मिलाते हैं हाथ ये बड़ी धूमधाम से, इनसे कभी ना मिलना, सलीके के लोग हैं। सर भी कलम करेंगे बड़े एहतराम से।